वेलकम टीचर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ गुरुजी। टेक्निकल मैथ गुरुजी के इस चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम आपके सामने जो है पेश करने वाले हैं कल चाशनी 2020 में आप किस तरीके से आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जो कल चाशनी 2020 है ये 27 दिसंबर 2019 टू 16 जनवरी 2020 तक ये बच्चों के ज़रिए लिया जाने वाला एग्ज़ाम है, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हमें मालूम करना है। और उसका एक सॉफ्टवेयर है महाकरियर मित्र, जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर जो है हर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब में पहले हम जो रजिस्ट्रेशन करने के वास्ते हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब में पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है आपको सब में पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और टाइप करना है www.mahassseboard.in। जैसे ही आप ये बोर्ड की वेबसाइट टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो बोर्ड की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे, SSC और HSC। आपको SSC इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर आपको प्रेस करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको आपके स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। और जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आपको इसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आपके बोर्ड की वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो है आपके इस जो कल चाशनी 2019 का स्कूल का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, 2020 का पासवर्ड मिलने वाला है। और इस पासवर्ड को आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप फिर से जो है क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएंगे। और क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको टाइप करना है www.mahakariermitra.in। ये आपको टाइप करना है और टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। और इंटर प्रेस करने के बाद जो है आपके सामने ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है शाड़ा लॉगिन। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, जो कि इस तरीके से आपको वो विंडो नज़र आने वाला है। यहाँ पर आपको आपके स्कूल का इंडेक्स नंबर डाल देना है और वो पासवर्ड जो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिला था वो पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, जो कि इस तरीके से होगा कि आपके स्कूल का नाम रहेगा, स्कूल का इंडेक्स नंबर रहेगा, और उसके बाद जो है आपको उस टीचर का नाम डालना है जो कि कल चाशनी लेने वाले हैं। उन टीचर का नाम डालेंगे और उस टीचर का मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP पाठवा इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर हमने डाला है मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक OTP मिलने वाला है। उस OTP को जो है आपको वहाँ पर जहाँ पर OTP का कॉलम है वहाँ पर आपको डाल देना है। और डाल देने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आप क्या आपको आपके पासवर्ड चेंज करना है। अगर यस तो आप जो है नया पासवर्ड डाल देंगे, उसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उसके बाद ओके क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर से आप जैसे ही शाड़ा लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा। शाड़ा इंडेक्स नंबर डालना है और जो है पासवर्ड, वो पासवर्ड जो हमने चेंज किया था वो पासवर्ड डालना है और लॉगिन बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप के सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का इंडेक्स नंबर आएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पेज के ऊपर कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टेस्ट गिवन और टेस्ट नॉट गिवन। अब तक हमारे पास किसी भी स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया है, इस वजह से ये जो सर्कल है ये येलो नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हमारे स्कूल के स्टूडेंट टेस्ट देते जाएंगे ये ग्रीन होता जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है खाली दिलेला कोणत्या ही लिंका वरुण mahakariermitra.zip डेस्कटॉप डाउनलोड कराएं। यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लेना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है और उसकी एक लिंक यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 कोई भी एक बटन के ऊपर क्लिक कर वो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लेना है।
लेकिन अगर आपको मोबाइल पर एग्ज़ाम लेना है तो आपको जो है प्ले स्टोर पर जाकर महाकरियर मित्र ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको आपका स्कूल का इंडेक्स नंबर और वो पासवर्ड डालकर जो है इंटर होना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और नज़र आ रहा है आपको, हाजिरी पत्रक। यहाँ से आप आपके स्कूल के टोटल स्टूडेंट जो SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट का जो है आप एक अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अटेंडेंस शीट जो है डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद जो है आपको वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरीके से नज़र आए, स्कूल का इंडेक्स नंबर है, स्कूल का नाम है और तमाम स्टूडेंट के नाम है और यहाँ पर आपको स्टूडेंट के सिग्नेचर ले लेना है। स्टूडेंट के सिग्नेचर लेने के बाद आपको वो बोर्ड में सबमिट करना है। चलिए फिर से जो है यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के ऊपर जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट की लिस्ट है और यहाँ पर उनके जेंडर दिए गए हैं और यहाँ उन्होंने टेस्ट का स्टेटस दिया गया है। अगर उन लोगों ने टेस्ट दिया है तो यहाँ पर यस बोलकर टिक मार्क आएगा। अब तक किसी भी स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया, यहाँ पर क्रॉस मार्क आ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड पर अगर क्लिक करेंगे, 2 पर आप क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज ओपन होगा, 3 पर क्लिक करेंगे तो थर्ड पेज ओपन होगा। इस तरीके से जो है आप इस चीज़ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस चीज़ को जब आप डाउनलोड करेंगे ये पेज इस तरीके से आपको नज़र आएगा, जिसमें आपके स्टूडेंट्स के तमाम नाम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और उनका जेंडर नज़र आएगा और यहाँ पर टेस्ट का स्टेटस दिया जाएगा कि उन्होंने टेस्ट दिया है या नहीं है। यहाँ से आपको रोज़ाना पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने अब तक टेस्ट दे दिया है और कितनों ने नहीं दिया है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो गई। हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।